अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बनाने लगी हूँ फिरनी। फिरनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास 3 कप मिल्क है, ये राइस हैं जो कि मैंने पहले से ही सोख करके रख दिए थे अबाउट 1 घंटा पहले। उसके बाद इसका फाइन सा मैंने पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है। बिल्कुल पतला सा इसका पेस्ट बना लेना आपने। और ये मेरे पास है कंडेंस मिल्क, मीठा दूध जो होता है उसका मैंने 1 टिन इस्तेमाल कर रही हूँ। और शुगर इसमें मैं नहीं यूज़ करूँ क्योंकि कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है, तो ये 1 टिन इसके लिए काफ़ी है। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी मैं किस लिए डालती हूँ, खीर या गाजर का हलवा या इस किस्म की चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि ये फिर जो है पैन में नीचे लगता नहीं है, चिपकता नहीं है दूध वगैरह। तो इसलिए जब दूध आप बॉईल करें और आपने डिज़र्ट बनाना हो तो फिर आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दें। ये मेरे पास कुछ पिस्ता बादाम है, ये अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। 2 से 3 अदद ली है मैंने कार्डियम। इसमें जाएगा रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पैन मैंने ले लिया, नॉन स्टिक पैन लिया, फ्लेम कर देंगे ऑन। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मिल्क। इसको 6 से 7 मिनट तक के लिए मैं अच्छी तरह से बॉईल करूंगी, ठीक है। इस पर एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो हमने पहले से पीस के रखे हैं। तो इसको पहले बॉयल का इंतज़ार कर लेते हैं इसका, क्योंकि बॉयल आ जाए और उसके ऊपर से जो बलाई होती है वो आना शुरू हो जाती है और फिर वो जो है क्रीमी इसका जो है ना टेक्सचर बन जाता है, जो कि बहुत टेस्ट में अच्छा लगता है। तो इसलिए पहले इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। दूध जैसे कि बॉईल हो रहा है तो मैं साथ ही इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूंगी घी, ताकि दूध चिपके नहीं बर्तन से। इसको इसके साथ पकाएंगे। दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका हुआ आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जो मैंने चावल अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखे थे वो मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड किया था। ये चलेंगे चावल। चावल को कुक होने के लिए 7-8 मिनट लगेंगे, जब ये ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन आपने इसको मुसलसल स्पून चलाते रहना है इसके अंदर, इसको बिल्कुल भी स्टिक नहीं होने देना पैन में। फ्लेम जो है मीडियम से भी कम है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर में भी बना सकते हैं। ये देखिए मिल्क गाढ़ा होना शुरू हो गया है क्योंकि राइस इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो गए हैं।
चावल इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, गल जाएंगे, तो देन इसके अंदर दूसरी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये स्पून चलाते रहें इसके अंदर। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका मिक्सचर कितना थिक हो चुका हुआ है, ठीक है। इस तरह से जब इसका मिक्सचर थिक हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड करना है कंडेंस मिल्क। इसके साथ इसको पकाएं, फ्लेम मीडियम से भी कम है, इसको मिक्स करें। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ग्रीन कार्डियम के बीच। ऐड कर दिए, इसके बाद इसको पकाएंगे। देखिए इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालने से कितना अच्छा इसका टेक्सचर हो गया, बिल्कुल थिक। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाला डिजर्ट है। इसको और मैं 6-7 मिनट पकाऊंगी इसके साथ। इसको पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हुए हैं। फिरनी रेडी हो गई है। अब मैं इसके अंदर एंड पे डालूंगी 1 टीस्पून जो मैंने बताया था कि रोज वाटर। रोज वाटर ऐड कर दिया हमने। रोज वाटर से इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इसके अंदर केवड़ा वाटर नहीं डाला जाता। अगर आपको केवड़ा वाटर का टेस्ट पसंद है फिरनी में तो आप ज़रूर डालें, लेकिन मैं इसके अंदर रोज़ वाटर डालूंगी क्योंकि जो इसकी सही ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर रोज़ वाटर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो रोज़ वाटर डाल के इसको एक से 2 मिनट तकरीबन इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी। इसको मैंने बिल्कुल मीडियम से भी कम फ्लेम पे मैंने कुक किया है। ये बिल्कुल भी लगी नहीं है कहीं से भी पूरे बर्तन में। और देखिए कितने ज़बरदस्त इसके अंदर थिकनेस आ गई है। इसकी फुल रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी इसके अंदर डालना चाहते हैं, बादाम, पिस्ते, अखरोट वगैरह, जो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने पिस्ता और बादाम ही चूज़ किए हैं इसके लिए। वो एंड पे मैं इसके अंदर गार्निशिंग पे डालूंगी। मीठा भी आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 टिन कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है। आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, शुगर के साथ बना सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से ज़रा थिक टेक्सचर हो जाता है खीर या फिरनी का। आप अगर नॉन स्टिक पैन में भी बना रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर रही हूँ और मैंने 1 टीस्पून जो है वो घी का भी डाला है ताकि ये चिपके नहीं,
आप फिर भी उसके अंदर 1 टीस्पून ज़रूर डालें। अगर आप नहीं डालना चाहते, इट्स ऑल योर चॉइस। फिर नहीं हो गई है रेडी, फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ। ठीक है, अब मैं इसको सर्विंग के लिए निकाल के आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फिरनी को डिश आउट कर लिया है। इसको मैंने 10-12 मिनट ठंडा किया पहले इसको, उसके बाद मैंने इसको इस बर्तन में शिफ्ट किया है। ये बहुत इजी रेसिपी है फिरनी की, आप भी इसको इसी तरह से ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।